बुलेटिन दा आगाज़ करदे आं। अपनी हकी मंगां लई किसानां वल्लों अज पंजाब सरकार दे खिलाफ हल्ला बोलिया जाणा है। चंडीगढ़ दे विच पक्का मोर्चा किसानां वल्लों लगाया जाएगा ते सरकार दे खिलाफ अपना रोस जताया जाएगा। किसानां ने पंजाब सरकार ते वायदा खिलाफी दा इल्जाम लगाया, जो कहा कि हाले तक कोई भी वायदा जड़ा है वह सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसनों लैके ही इन्हां दे विच रोस बढ़ता जा रहा है। अज पक्का मोर्चा जड़ा है वह सरकार के खिलाफ लगाया जाएगा ते सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। तो सरकार के खिलाफ हुन जड़ा है किसानों वालों अज अपना रोस विखावा किया जाना है। हल्ला बोलन का फैसला किया गया। दस दे के क्या कि हाले तक कोई वायदा पूरा नहीं किया। किसान जथेबंदियों की मांग है कि झोने लिए 10 जून तो किसानों बिजली से नहरी पानी मिले। पहला मोहाली के गुरद्वारा अंब साहब के किसान इकट्ठे होंगे। संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई हेठ चंडीगढ़ वल फिर किसानों वालों कूच किया जाएगा। तो सरकार के खिलाफ हल्ला बोलन का जो मनसूबा बनाया गया उसके तहत सूबे के वख-वख जिलों तो भी चंडीगढ़ का रुख किसान करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई हेठ जड़ा है यह अज प्रदर्शन होना है, हल्ला बोलिया जाना है। सरकार से इल्जाम है कि सरकार ने किए वायदे हुण पूरे नहीं किए, जिसके चलद्या ही उन्होंने रोस है ते अपनी हकी मंगां लई किसानों वालों अज पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया जाएगा। तो साढ़े नाल सर सहयोगी रमन इस वेले जुड़ चुके ने। रमन, की कुछ जानकारी जिस नाल संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई हेठ वख-वख किसानों वालों अज इकट्ठा होना है, हल्ला बोलिया जाना सरकार के खिलाफ? जिरा तो बिल्कुल अहम मंगा ने जिन्होंने लैके लगातार सरकार नाल मीटिंगा भी हुई ने, मुख्यमंत्री नाल मीटिंग भी हुई है, बिजली मंत्री दे नाल भी मीटिंग हुई है, पर मीटिंगा बेसिटा रही ने। और सब तो वड्डी समस्या जो किसानों के सामने वो है कि झोने का सीजन बिल्कुल पीक ते आ चुके और पनीरी बीजन का काम शुरू हो चुके और किसान कह रहे हैं सानू 10 जून तो झोना लगाउण दी इजाजत दी जाए, क्योंकि बार्डर एरिया हैगा उत्थे कुछ जमीन जिहड़ियां बार्डर क्रॉस करके भी किसानों जाना पैंदा। जिहे दे विच जेकर उस जोन नू तुसीं 28 जून दे विच रखदे हो तो उन्हां दे लई बहुत वड्डी मुश्किल होगी। नवंबर दे विच जाके झोना पक्केगा और नवंबर दे विच जिहड़ा मॉइस्चर वध जांदा उन्हां नू झोना वेचण दे विच दिक्कत आवेगी। और किसान कह रहे हैं कि जिहड़ा बार्डर जोन हैगा उसनू 10 जून तो शुरू किया जाए और किसानों नू 10 घंटे निर्विघन बिजली दित्ती जाए और जो दूसरा जोन हैगा उन्हां नू घट्टो घट 12 जून कर दिता जाए, 13 जून कर दिता जाए, तो जो किसानों समय सर अपनी जी है फसल जी है ला सकन। और दूसरी वड्डी समस्या जी किसान सामने वो है कि सरकार हाले तक यह नहीं किसानों भरोसा दे पाई कि जो झोना लगन का सीजन शुरू हो जाएगा तो बिजली कितना समा मिलेगी किसान। बिल्कुल रमन, तुहानू रोकना चाहांगे। हरिंदर लखोवाल जी किसान आगू साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदे आं। लखोवाल जी, जिस तरह दे नाल अज फैसला किया है किसानों ने कि सब सूबे के वख-वख जिलों तो चंडीगढ़ वल कूच किया जाएगा, की कुछ तुहाडियां मुख मंगां ने जिसनूं लैके अज हल्ला बोलन का फैसला किया? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ MSP ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਵਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਾਤ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਡ ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਧਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
बिल्कुल, लेकिन जे तुहाडियां मंगां जिसनूं लैके ही आ तुसीं सरकार दे खिलाफ रोस जताना है, सरकार ते एक दबाव बनाउण दी कोशिश जे ओह नहीं प्रवान हुंदियां, फिर अगां की करन दा सोच रहे हो? पक्का मोर्चा लावांगे, एसकेएम दी मीटिंग होऊगी इत्थे, जिवें एसकेएम दी मीटिंग फैसला होऊगा जी, अपनी मंगा वल गौर करने के बावजूद जड़ा है उन्होंने कोई हुण तक इसका हल नहीं कढ़िया। रमन लगातार बने हुए, सो रमन जिस नाल हरिंदर लखोवाल जी भी गल की है, भावे सरकार बदली है उम्मीदा बहुत सारिया सन, लेकिन एक बार फिर किसान जड़े ने सड़कों से रुलन मजबूर हो रहे हैं। जिरा तो बिल्कुल, क्योंकि पंजाब की जमीनी हकीकत कुछ होर बोलती है। बेशक नवीं सरकार से उम्मीदा भी बहुत ज़्यादा सी, तो अज तक जड़िया पिछले 15 मार्च तो लैके अज तक 17 जी 27 किसान खुदकुशी कर गए हैं। तो लगातार किसान मजबूर है, क्योंकि कणक का झाड़ घट होया और महंगा ठेके तो जमीन लैके किसान नू बचिया कुछ नहीं, तो इसलिए उसने अपनी आत्महत्या करके जोड़ा है एक तरीके दे नाल किसानी खुदकुशी जी है अंकड़े वधे ने। तो इस लैके भी किसान चिंतित ने और कह रहे हैं कि लगातार ये गल कही गई थी 1 अप्रैल तो बाद कोई भी किसान खुदकुशी पंजाब दे विच नहीं करेगा। और अरविंद केजरीवाल खास तौर पर किसानों के नाल मानसा दे विच एक सम्मेलन किया गया से, उस वेले एक वादा किया गया से, तो 27 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। तो कह लगे कि हर दूसरे दिन एक खुदकुशी किसान की वेखन पंजाब दे विच मिल रही है। तो काफ़ी वड्डे मुद्दे ने जिन्हों लैके अज किसान अपना हल्ला बोलणगे और मंगा जिन्हों लैके लगातार संघर्ष किया जा रहा, मीटिंगा भी हुई पर उनका हल नहीं निकलिया। तो अज एक वड्डा संघर्ष उलीकिया और सीधे तौर पर एक अपील भी की गई है कि जो किसान घर तो चलणगे तो पक्का मोर्चा मन दे विच बना के चलण, असी पक्का मोर्चा लगावेंगे जो तक साडी सरकार गल नहीं सुनेगी। तो कह सकते हैं कि अज पक्के मोर्चे की पंजाब सरकार के खिलाफ शुरुआत हो जा रही है जी। रमन शुक्रिया फिलहाल की जानकारी। सो पक्का मोर्चा लाने की चेतावनी किसान आगुआ ने किसान